ठीक है, मैंने आपको ना ग्रुप पे पिछले साल का 19-20 का क्वेश्चन पेपर भेजा था। इसी में एक सी सेक्शन में क्वेश्चन है आपका, थर्ड का बी। हाँ हाँ सर उसमें बताओ। मैं अपनी लिंक खोला हूँ उसमें सर वही वही चीज पासवर्ड मांग रहा है और नेम मांग रहा है। अभी तो मैं पहली बार उसको खोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो 4 अगस्त वाला पहले मेल चेक करना। 4 अगस्त को ओलंपस के नाम से कोई मेल आया है, वहां पे क्लिक करोगे तो हाँ वहां सर पे लेकिन नया सर मैं पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं बनाने को किया। आता है। ओके सर ओके। ठीक है, फिर भी नहीं होता फिर बताना मेरे को व्हाट्सएप पे जब ये क्लासेस खत्म हो जाए। ठीक है, तो मैं आपसे ओके बता रहा था कि जो मैंने आपको 19-20 का एक क्वेश्चन पेपर भेजा था उसमें एक थर्ड का भी 7 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है 3rd यूनिट का। और मैंने क्वेश्चन पेपर और भी इसके देखे तो पुराने क्वेश्चन पेपर इसमें सिलेबस चेंज हुआ है या किसी और यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है उसमें ये क्वेश्चन कॉमन है, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लेना। बहुत सिंपल है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एडवांटेज लिमिटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर फॉर पर्टिकुलेट कंटेमिनेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है हर बार, और यही आपका 3rd यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक का मैंने काफ़ी नेट पे सर्च किया क्योंकि बुक तो अवेलेबल नहीं है, तो जो जो डाटा मेरे को मिला है कि करके उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल, जैसे ग्रेविटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि इसको ग्रेविटी का फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं किसी के लिए, पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए। और जब उसको सेटल कर लेंगे पार्टिकल्स को तो हम उसको अलग से सेपरेट भी कर सकते हैं एयर में से। तो क्या एक ग्रेविटेशनल सेटलिंग सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल मैकेनिज्म अंडर विच लार्ज हैवी पार्टिकल्स। देखो इसमें लार्ज हैवी पार्टिकल्स है, ठीक है, क्योंकि हमें उन पार्टिकल जिनका खुद का कुछ वेट है वही सेटल हो सकते हैं। सेटल तो सारे हो जाएंगे पर बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और जो एयर है वो बहुत स्टैटिक चाहिए, ऐसे उसमें वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, वरना जितने भी पार्टिकल्स हैं छोटे से छोटे सब सेटल हो सकते हैं। हाँ, हमेशा तो हवा में तैरते नहीं रहेंगे वो, लेकिन उनको टाइम बहुत चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। जितने ज़्यादा हैवी होंगे उतने ही ज़्यादा जल्दी वो सेटल हो जाएंगे। तो हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम एम्बियंट एयर सेटल डाउन ऑन बिल्डिंग्स ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जो धूल मिट्टी होती है आप देखते हो बिल्डिंग्स पे, ट्रीज के पत्तों पे जो सेटल हो जाती है वही आपका लार्ज पार्टिकल्स है। दिस जनरली हैपन फॉर द पार्टिकल विच आर लार्जर देन 50 माइक्रोमीटर साइज। 50 माइक्रोमीटर साइज से जो ग्रेटर है उन्हीं को उसमें सेटल कर सकते हैं। तो इससे आपको एक इसके डिसएडवांटेज निकल के आता है कि हम इसमें बस केवल 50 माइक्रोमीटर के साइज से ऊपर वाले पार्टिकल्स को ही सेटल कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एम्बिएंट एयर में से। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। दिस प्रोसेस ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स फॉर्म बाई यूनिटिंग ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स ओवर लार्ज पार्टिकल्स टिल ए फ्लॉक पार्टिकल लार्ज एंड हैवी इनफ टू सेटल आउट अंडर द ग्रेविटी फॉर्म। छोटे छोटे 50 माइक्रोमीटर से भी छोटे पार्टिकल जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, चिपकते रहते हैं एक दूसरे से, तो बड़ा पार्टिकल बन जाता है, वो भी इसमें सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि ग्रेविटेशनल सेटिंग या ग्रेविटेशनल मेथड होता क्या है। उसके बाद ये है आपका इसका चैम्बर। इसमें से एक तरफ से आपकी एम्बिएंट एयर इन होती है, दूसरी तरफ से आउट होती है। इसका जो मेथड है वो ये है, जो एयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा होगी वेलोसिटी तो पार्टिकल्स एयर के साथ ही रहेंगे, हमें एयर की वेलोसिटी कम करनी है। और जैसे ही वेलोसिटी कम होगी वैसे ही पार्टिकल धीरे धीरे, टाइम लेंगे लेकिन धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट होंगे जो उसके अंदर पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं, हैवी पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये चैम्बर वही काम करता है, इसमें ट्रेज होती हैं, विदाउट ट्रे वाला भी होता है। जब एक तरफ से एयर जाती है तो इसमें इतने सारे ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं कि उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जो हैवी पार्टिकल है नीचे जो कॉन टाइप के हैं वहाँ पे आपके ट्रे के ऊपर सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं लेकिन सिंपल मेथड है 50 माइक्रोमीटर से ऊपर वाले पार्टिकल को सेटल करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने अलग अलग वेबसाइट या स्लाइड से डाउनलोड किया है डाटा, तो हो सकता है कुछ कॉमन हो, रिपीट हो, रिपीट होना वाला अच्छी बात है, रिपीट हो रही है कोई चीज़, जो कुछ नया भी आपको मिल सकता है। तो ग्रेविटी अभी हमने जो पढ़ा था वो ग्रेविटी मेथड जो है उसका इंट्रोडक्शन था। अब है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, यही आपका मेन टॉपिक है।
प्रेजेंटेड बाय जो एंड जॉन्स. ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मीन ऑफ और रिमूविंग सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम ए गैस. ओल्डेस्ट इसलिए भी इसमें कोई टेक्नोलॉजी तो कोई यूज नहीं हो रही, कोई इलेक्ट्रिक चीज यूज हो रही हो, कोई आपका इसमें कोई मूविंग पार्ट यूज हो रहा हो. बहुत सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल आइडिया है कि आपको पार्टिकल्स को सेटल से पानी में, पानी को कुछ देर रख दोगे तो पार्टिकल्स उसके जो हैवी पार्टिकल सेटल हो जाएंगे. सेम एज एयर है, ठीक है. इन प्रिंसिपल पॉल्यूटेंट आर रिमूविंग बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी. जो मैंने अभी कहा वेलोसिटी रिड्यूस करनी है गैस स्ट्रीम की सफिशियंट टू अलाउ पार्टिकल सेटल आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. दो चीजें मेन है इसमें, पार्टिकल को रिड्यूस करना है और ग्रेविटी को यूज करना है, ठीक है. सिंपलेस्ट चैम्बर इज मरली ए हॉरिजेंटल डक्ट इन विच लार्ज पार्टिकल सेटल आउट ऑन द फ्लोर. ऐसे इस तरीके से बॉक्स होता है, एक तरफ से इन होता है, एक तरफ से आउट होता है, नीचे सेटलिंग आपका चैम्बर होते हैं. तो जो बॉक्स है ना, इसी को डिजाइन करना होता है. इसमें उसका साइज क्या होगा, उसी के साइज पे डिपेंड करता है कितनी वेलोसिटी आप स्लो कर सकते हो और कितने पार्टिकल आप कलेक्ट कर सकते हो. अब इसका मतलब एक डिसएडवांटेज ये हो गई कि इस इंस्ट्रूमेंट का साइज बड़ा है, ठीक है. हाई इफिशियंसी सेटलिंग चैम्बर आर ऑफन फिटेड विद बैफल्स और डिफ्लेक्टर टू चेंज द गैस फ्लो. ये बैफल्स एंड डिफ्लेक्टर्स होते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट, ऐसी चीजें जो एयर की डायरेक्शन को चेंज करती हैं, जिससे एयर की जो है स्पीड वेलोसिटी जो है कम हो जाएगी. जैसे कि ट्रे इसमें था, ठीक है. कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म होता है जिससे एयर टकराती रहती है और उसकी स्पीड कम होती रहती है. दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल कलेक्टिवली रिफर एज ए प्री क्लीनर. ये अच्छा एक वर्ड है आपका. प्री क्लीनर का मतलब है, मतलब कि जितने भी आपके फिल्टर्स हैं या कुछ भी है, आपकी कोई मशीन है, कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे एयर को है ना थोड़ा सा फिल्टर करने के लिए जो चैम्बर लगे होते हैं, वही ये ग्रेविटी चैम्बर है. प्योर तो करते नहीं है क्योंकि बहुत बड़े पार्टिकल्स को ही निकाल रहे हैं, 50 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स से बड़े पार्टिकल्स को ही सेटल करके क्लीन कर रहे हैं. तो एक तरीके से कह सकते हो आप ये एक प्री क्लीनर है, क्योंकि मोटा मोटा कूड़ा, मोटे मोटे पोल्यूटेंट जो है वो एयर में से निकाल दिए. अब जो एयर बची है अब उसको हम क्लीन करेंगे अलग फिल्टर विल्टर से, बिल्कुल प्योर क्लीन जो करना है. तो इसीलिए इसको प्री क्लीनर भी हम कह सकते हैं. बिकॉज दे आर ऑफन टाइम्स यूज फॉर रिड्यूस इनलैंड लोडिंग ऑफ पर्टिकुलेट मैटर पीएम टू डाउनस्ट्रीम कलेक्शन डिवाइस बाय रिमूविंग लार्ज एब्रेसिव पार्टिकल्स. इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है. एक न्यूमेरिकल और एक ये थ्योरी. थ्योरी में क्या है, इंट्रोडक्शन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इसका वर्किंग प्रोसेस. ये न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की गारंटी नहीं है, पर थ्योरी आती आती है. जितने ही मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं अलग यूनिवर्सिटी के हों या फिर सिलेबस जब चेंज हुआ था उससे पहले के हों आपके, तो सब में ये न्यूमेरिकल कॉमन था, आता ही आता है हमेशा. तो सेटलिंग चैम्बर आर ऑल्सो रिफर एज ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर. इसको हम ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर भी कहते हैं. आपकी सिलेबस में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है. ग्रेविटी कलेक्टर भी कहते हैं. एक्सपेंशन चैम्बर और आउटफॉल चैम्बर भी इसको हम कहते हैं. मल्टीपल ट्रे, ये दो तरह के हो सकते हैं. मल्टीपल ट्रे भी लगी हो सकती है और नहीं भी लगी हो सकती. तो मल्टीपल ट्रे सेटलिंग चैम्बर ऑल्सो रिफर टू एज हॉवर्ड सेटलिंग चैम्बर. सिंपल ग्रेविटी ये होता है इसका, आपका डायग्राम देख सकते हो. नीचे जो है इसको हुपर्स बोलते हैं, जो कॉन्स हैं जहाँ पे हमारे पार्टिकल्स, ये विदाउट ट्रे वाला है, ठीक है. और हमारा जो मेन है जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो आ सकता है इस बॉक्स को डिजाइन करने के लिए, जो मैंने बॉक्स अभी रेड कलर का किया, जिसमें दी हुई है लेंथ, हाइट और आपकी दी हुई है विड्थ. जो इनलेट और आउटलेट है आपके, आप देखोगे ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत छोटा है, ठीक है. जब आप बड़े एरिया से, ध्यान रखना, जब बड़े एरिया से छोटे एरिया में कोई चीज़ फ्लो होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. आप पानी ले लो, आप अगर पानी के पाइप जो होते हैं, जब आप गार्डन वार्डन में पाइप से पानी डाल रहे होते हैं तो आप ये थंब लगा देते हो या आगे से जो माउथ होता है उसको दबाते हो. आगे से माउथ को दबाने से पाइप के क्या होता है, ये जो पाइप है इसका माउथ जब आप दबाते हो ये छोटा हो जाता है, तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है, दूर तक जाता है ना.
तो अगर इसी का अपोजिट कर दें कि जहाँ से जो इनलेट है वो क्रॉस सेक्शन छोटा हो और जो अंदर जैसे जा रहा है वो आउटलेट जो अंदर जहाँ पे एयर जा रही है उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा हो, तो इसका उल्टा हो गया कि जो इनलेट है वहाँ पे स्मॉल क्रॉस सेक्शन है और जैसे ही वो बड़े एरिया में जाएगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बड़े एरिया से जब छोटे एरिया में चीज़ फ्लो करती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, उस तरह से उल्टा हो गया कि हमने छोटा क्रॉस सेक्शन रखा है और उसमें से जब एयर अंदर गई तो हमारा क्या है बड़े एरिया में अंदर जाती है उसकी वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम करना ही हमारा एम है, तभी हमारी ग्रेविटी काम करेगी और जो पार्टिकल्स हैं उनको सेटल करेगी। ठीक है, तो एक तो इस तरीके का आपका ये चैम्बर होता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, फिगर वन इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल सैंपल ग्रेटिंग ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर, इट इज लॉन्ग डक्ट फिटेड विथ हुपर्स। हुपर जो है वो आपके नीचे कौन वाले एरिया है और नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो है ये। ऑन द फ्लोर टू कलेक्ट पार्टिकल पार्टिकुलेट्स फिजिकल डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टर साइड बाय द डक्ट वर्क अबाउ द कलेक्शन हुपर्स लेंथ एल विथ डब्ल्यू और हाइट एच। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया उसका वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द चैम्बर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ पार्टिकल्स रिमेनिंग एट द रिड्यूस रेट। जो मैंने अभी तुमसे कहा कि स्मॉल एरिया से जब एयर लार्ज एरिया में जा रही है तो वेलोसिटी रिड्यूस होती है, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपको वेलोसिटी कितनी रिड्यूस करनी है। जितनी ज़्यादा रिड्यूस करोगे और जितने टाइम के लिए करोगे उतने ही छोटे पार्टिकल्स आपके सेटल होंगे। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज ये भी है, एडवांटेज भी बहुत हैं इसकी कि सिंपल है बहुत। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, कोई आपको मूविंग पार्ट नहीं चाहिए। डिसएडवांटेज ये है कि इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा हो गया, इफिशेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, पार्टिकल्स बड़े हैं उनको ही सेटल करता है, एक टाइम टेकन है। ठीक है, टाइम टेकन भी है, आपको टाइम देना होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रिड्यूस कर रहे हो तो उसका एरिया बढ़ाना होगा, एरिया बढ़ाने के बाद उसको टाइम देना होगा, तो आपको 50 से भी कम के भी पार्टिकल्स सेटल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, द प्राइमरी सेक्शन ऑफ द चैम्बर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया बाय इट्स लेंथ, द क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिजाइन्ड बाय टू द लार्ज टू इनलेट एग्जिट डक्ट। जो मैंने अभी बताया ना आपको कि क्यों उसका एरिया अंदर का लार्ज होता है और इनलेट आउटलेट आपके क्यों आपके इसके कम होते हैं। द लेंथ ऑफ द चैम्बर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द टाइम पार्टिकल रिमेन द रिड्यूस रेट, दिस स्टर्विंग ऑफ द गैस फॉरवर्ड मोशन अलाउ द पार्टिकल सफिशिएंट टाइम टू सेटल आउट इन द हुपर्स। Efficiency, the collection efficiency of settling chamber varies as a function of particle size and the settling chamber design. Settling chamber are most effective for large and dense particle. Efficiency हम निकालेंगे कैसे, आपने एक चैम्बर बनाया है जिसमें आप चाहते हो कि 50 माइक्रोमीटर से ऊपर या 50 माइक्रोमीटर वाले पार्टिकल सेटल हो जाएं, और आपने जब कैलकुलेशन की तो पता चला कि आपका 49 वाला भी पार्टिकल सेटल हो गया है, तो इफिशेंसी क्या होगी 100%। ठीक है, इस तरह से हम इफिशेंसी इसकी निकालेंगे। ये आ गया एडवांटेज, ये आपको फिंगर टिप पे याद हो जाने चाहिए अभी, क्योंकि आएगा ही क्वेश्चन मैंने कहा है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज तो लिखना ही है आपको। लो कैपिटल कॉस्ट ये एडवांटेजेस है। ठीक है, लो कैपिटल कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं लग रही, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी नहीं है, मटेरियल है बस। ठीक है, इसलिए कॉस्ट जिस भले ही इंस्ट्रूमेंट का साइज बड़ा हो बट उसमें है ना कोई टेक्निकलॉजिकल चीज नहीं लग रही है तो सस्ती हो जाती है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट कहीं भी आप देखोगे जहाँ पर आपका केवल मटेरियल लग रहा है वो चीज़ सस्ती होगी। तो कैपिटल कॉस्ट लो है इसका, वेरी लो एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी तो कुछ है ही नहीं, इसको बनाने में एनर्जी लगेगी। नो मूविंग पार्ट, देयरफॉर फ्यू मेंटेनेंस रिक्वायर्ड फॉर लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक्सीलेंट रिलायबिलिटी, लो प्रेशर ड्रॉप थ्रू डिवाइस, डिवाइस नॉट सब्जेक्ट टू एब्रेशन ड्यू टू लो गैस वेलोसिटी, प्रोवाइड इंसिडेंटल कूलिंग ऑफ गैस स्टीम टेम्परेचर प्रेशर लिमिटेशन ओनली डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल कंस्ट्रक्शन ड्राई कलेक्शन एंड डिस्पोजल। तो ये आपके क्या है एडवांटेज हैं सेटलिंग टाइम के। अब आते हैं डिसएडवांटेज। देखो
हो सकता है कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज याद ना हो आपको, लेकिन कुछ तो आपको याद हो सकती है कि सिंपल है, सिंपल है तो एफिशिएंसी जो सिंपल होती है उसकी एफिशिएंसी कम ही होती है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। रिलेटिवली लो पीएम कलेक्टर एफिशिएंसी पर्टिकुलर पीएम लेस देन 50 माइक्रोमीटर, यही मैं कह रहा था। 50 माइक्रोमीटर तो मतलब बहुत बड़े पार्टिकल्स हो गए, हमें और प्योर एयर करनी है तो हमें छोटे पार्टिकल्स को भी सेटल करना होगा, ये डिसएडवांटेज हो गई। अनएबल टू हैंडल स्टिकी एंड टैकी मटेरियल्स, ठीक है, जो ऐसे मटेरियल्स हैं मतलब हमें तो वहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, जो ऊपर से वहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल जो इधर उधर कलेक्ट हो जाते हैं आपके सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। लार्ज फिजिकल एरिया इसका लार्ज है। ट्रेन मल्टीपल ट्रे सेटलिंग चैम्बर में रैप ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, जो ट्रे होती हैं जो अंदर लगती है, मैंने कहा कि चैम्बर दो तरह के होते हैं, ट्रे वाला होता है एक विदाउट ट्रे वाला होता है। विदाउट ट्रे वाले का साइज छोटा होता है, ट्रे वाले का सॉरी विदाउट ट्रे वाले का साइज बड़ा होता है, ट्रे वाले का साइज छोटा होता है। तो जो ट्रे हैं टेम्परेचर बढ़ने पे ना उनके उनका उनके अंदर एक्सपेंशन या वो उनका साइज में दिक्कत आ जाती है, वो रैप हो जाती है, ये एक डिसएडवांटेज है। मोस्ट कॉमन फेलर मोड ऑफ सेटलिंग चैम्बर इज प्लगिंग ऑफ चैम्बर, सबसे जो मोस्ट फेलर है इसका वो क्या है, जो हुपर हैं आपके वो हुपर फेल हो जाते हैं नीचे से, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल ट्रे सेटिंग चैम्बर में एक्सपीरियंस प्लगिंग द इंडिविजुअल गैस पैसेज, ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए। सी ये किसी और की पीपीटी में से देखा था, इसमें शॉर्टकट में थोड़ा दिया हुआ है, देख लेते हैं। ग्रेविटेशन चैम्बर का डायग्राम भी आपको बनाना होगा, सिंपल है डायग्राम, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो सिंपल है, आपको एक क्यूब बनाना है, ठीक है, इस तरीके से एक क्यूब है, याद हो जाएगा ऐसे ही। और फिर यहाँ पे आपको इस तरह से इस शेप में टैप पेपर शेप में बना देना है, दूसरी साइड भी बनाया था, नीचे आपको बस इस तरह कोन वाले हुपर लगा देने हैं, इनलेट आउटलेट ये हुपर है या सेटलिंग है ऐसे बता देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा भी ना बने, थोड़ा बहुत देखने में ऐसा बन जाए, बस बहुत सिंपल है, बना सकते हो। यूज टू रिमूव पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर, बार बार इसका यूज हो रहा है तो याद हो गया होगा कि 50 माइक्रोमीटर से ऊपर के पार्टिकल्स को ही ये सेटल करता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस रिड्यूस इन द लार्ज चैम्बर, ये भी पता हो गया, पार्टिकल सेटल अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसका एक इक्वेशन है इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। वी एस एस सेटलिंग वेलोसिटी, दो तरह की वेलोसिटी है इसमें, ठीक है, एक तो जो इनलेट हुई वेलोसिटी और एक है जो सेटलिंग के टाइम पे स्लो हो गई वेलोसिटी। तो जो स्लो वेलोसिटी होगी सेटलिंग वेलोसिटी उसको हम उसको अगर निकालना है तो वो है एच वी डिवाइड बाय एल। एच क्या है आपका हाइट थ्रू विच द पर्टिकुलर ट्रेवल बिफोर सेटिंग डाउन, ठीक है, ये हो गया वी वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कैरीज गैस, एल हो गई लेंथ ऑफ द चैम्बर। तो एक इक्वेशन बन जाती है इससे हमारे पास वी एस बाय स्टोक लो, हमारे पास वी एस की इक्वेशन ये आती है जिसमें जी है आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन, आपका ये है ये सिंबल मेरे को नहीं पता कैसे इसको रीड किया जाएगा, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी का ये किस तरह से बनाया हुआ है, डेंसिटी ऑफ गैस और आपका विस्कोसिटी ऑफ गैस, और डी है आपका पार्टिकल्स का डाया। तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आती है इन दोनों इक्वेशन से, कैपिटल डी इज इक्वल टू, तो कैपिटल डी क्या है, डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स। इससे आप पता कर सकते हो कि जो आपका सेटलिंग चैम्बर है उसमें कितने डाया के पार्टिकल्स को हम सेटल कर सकते हैं, हमने किया। डी इज द मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल डेट कैन बी रिमूव इन द सेटलिंग चैम्बर, और आपका जो न्यूमेरिकल आएगा इस टॉपिक पे वो आपका सेटलिंग पार्टिकल्स का डाया निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन याद करनी होगी, 18 वी एच म्यू डिवाइड बाय एल जी, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, डेंसिटी ऑफ गैस अंडर रूट में। एडवांटेज, लो इनिशियल कॉस्ट, इजी टू डिजाइन, लो प्रेशर, लो मेंटेनेंस, ड्राई एंड कंटिन्यू डिस्पोजल सॉलिड पार्टिकल्स। डिसएडवांटेज, रिक्वायर लार्ज साइज, लेस कलेक्शन एफिशिएंसी, ओनली लार्ज पार्टिकल्स सेटल्स कलेक्टेड कैन बी कलेक्टेड। एप्लीकेशन, ये भी आ सकता है, एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज लिमिटेड,
used widely for removal of large soil particles from draft furnace kilns, sometimes used in process of industry, food and metallurgical industry, use a pre-cleaner of high efficiency collector. अब ये लास्ट है आपका ये डाटा, इसमें न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो आपका जो भी कुछ नया होगा केवल वो बताऊंगा मैं। 50 माइक्रोमीटर को ही हम कर सकते हैं इसमें, ये हमने लास्ट में पढ़ा था। ये भी डेफिनेशन सेम है, डिस्पोज वेस्ट नेचुरली, चैम्बर क्लीन मैनुअली। अच्छा ये एक नया लाइन है कि जो चैम्बर है उसको, उसके जो हूपर्स हैं, जो आपके इस तरह से हूपर्स, उनको यहाँ पे एक किस तरह से कनेक्टर होता है, तो आप इस कनेक्टर को खोल के, स्क्रू से खोल के, इस हूपर को निकाल के आप उसको क्लीन कर सकते हो। यानी कि उसको एक तो पहले तो आप मेजर करोगे जो आप पार्टिकल्स इसमें कलेक्ट हुए हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है, इसको अपने हाथ से ऐसे ही क्लीन भी कर सकते हो। तो ये चैम्बर जो है मैनुअली क्लीन हो सकता है, और जो इसका वेस्टेज है उसको हम मैनुअली कहीं भी डिस्पोज कर सकते हैं। ये डिस्कस हो चुका था। इसका एक और डायग्राम है, थोड़ा इसमें दिखाया गया, देखो यहाँ पे इनलेट है। जब इनलेट में आप जो गैस देख रहे हो एयर, उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, फिर उनकी वेलोसिटी यहाँ पे लो हो जाती है और ये सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। हूपर्स में, इनको हूपर्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे कनेक्टर टाइप का होता है जिससे आप इसे अलग कर सकते हो, और यहाँ पे आउटलेट में देख सकते हो कि स्मॉल पार्टिकल के साथ गैस आउटलेट हो रही है। तो इसमें लिखा क्या हुआ, डर्टी गैस क्लीन गैस, और यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन फोर्स क्या है, ग्रेविटी, कलेक्शन इफिशियंसी क्या है, लो, इनिशियल कॉस्ट क्या है, इनएक्सपेंसिव, ऑपरेशन कॉस्ट क्या है, लो। ये डस्ट हूपर है, ठीक है, एक बार देख लो उसको ध्यान से इस तरीके से। एक तरीके का ये दिया हुआ है, इन दोनों में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ प्लेट लगाई हुई है यहाँ पे, है ना, कि स्लाइड होके ना ये नीचे ही गिर जाए ऊपर के अंदर, डस्ट कलेक्शन के ऊपर के अंदर। ये इनलेट आउटलेट है, ये इनलेट है। ये ट्रे वाला आपका ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर है, यहाँ पे देख सकते हो आप ट्रे के ऊपर भी सेटल हो जाते हैं पार्टिकल्स। आप एक चीज सोचो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एयर है, ठीक है, और ये आपका एक ट्रे है जहाँ पे आपको पार्टिकल सेटल करने हैं। एयर में मान लो ये आपका एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल की बात करूँ जिसको सेटल होना है, वेलोसिटी कम हो गई है, धीरे 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 जा रहा है, और वेलोसिटी तो वेरिएशन होती है, ऐसा नहीं यहाँ पे जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग है, पर आउट इनलेट जहाँ पे हो रही है वहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर से वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर भी वेलोसिटी का वेरिएशन है। ये पार्टिकल है, इसको सेटल होना है क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है, ग्रेविटी काम कर रही है और नीचे सेटल होना चाह रहा है, लेकिन ये कुछ डिस्टेंस, बस इतने डिस्टेंस पे सेटल होता है, उसके बाद ये एयर में फिर बहने लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रे होती तो ट्रे पे सेटल हो जाता, और जब किसी सरफेस पे सेटल हो जाता तो बहुत मुश्किल होता है एयर को उसको उठाना। तो ट्रे का ये फायदा है, तो इफिशियंसी ट्रे से बढ़ जाती है, ठीक है। गैस वेलोसिटी इन द चैम्बर मस्ट बी सफिशिएंटली लो, लिटरेचर। अब यहाँ पे देखो एक और नया पॉइंट आया निकल के, लिटरेचर इंडिकेट्स दैट गैस वेलोसिटी लेस देन अबाउट 3 मीटर पर सेकेंड इज नीडेड टू प्रिवेंट द री एंटरटेनमेंट ऑफ द सेटल पार्टिकल्स, द गैस वेलोसिटी इज लेस देन 0.3 मीटर पर सेकेंड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। 3 और 0.3 इसके बीच में वेलोसिटी होती है, 0.3 मीटर पर सेकेंड जो होती है वो बहुत अच्छी होती है जिसमें हमारे पार्टिकल सेटल हो रहे। लिटरेचर इंडिकेट यानी कि कुछ रिसर्च इंडिकेट करती हैं, 400% इफिशियंसी ये इक्वेशन है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग है आपका, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, एल से लेंथ ऑफ सेटलिंग है, और एच से हाइट है। अब इन्होंने टी क्या लिया है देखते हैं आगे। इन सबको आपको देखने की जरूरत नहीं है, डिजाइन पैरामीटर जो आपको वाली इक्वेशन याद रखनी है वो ही निकल के आएगी। इसमें देखो ये रही, ये डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स, ये सबको मत करना याद, केवल इसको करना, डायामीटर ऑफ पार्टिकल्स। आप इससे एक न्यूमेरिकल आ सकता है आपके पास। इफिशेंसी क्या है, जो पार्टिकल्स आप जिस डाया का पार्टिकल्स आप सेटल करना चाहते हो और जिस पार्टिकल को सेटल किया है, इसका फॉर्मूला आपके पास है डी मिनिमम का।
इसका स्क्वायर कर देंगे तो एफिशिएंसी निकालने को आ जाएगी। अनदर इक्वेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। सेटिंग ट्रिक कैन यूज इंप्रूव रिमूवल एफिशिएंसी। देखो एक तो बात होती है विदाउट सेटलिंग, वो विदाउट ट्रे, जो विदाउट ट्रे है उसमें जो फॉर्मूला है आपका पार्टिकल डाया का उसमें एन नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रे इंट्रोड्यूस करने पर चैम्बर में इफिशेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, सेटलिंग की। तो जब नंबर ऑफ ट्रेस इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस इक्वेशन में जो डाया निकालने की इक्वेशन है इसमें एन और आ जाता है। तो एन जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना डी कम होगा। तो डी कम का मतलब है कि आप 50 माइक्रोमीटर से कम के डाय को सेटल कर रहे हो, यानी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हो चुका है आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन भी हो चुके हैं, न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल आने के चांस हैं, तो इसको देख लेना, बहुत सिंपल है, आपको बस इक्वेशन याद रखनी है। डिज़ाइन ए सेटलिंग चैम्बर, कैलकुलेट मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का साइज निकालना है, कोई डिजाइन करने के लिए आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा कि आपको लेंथ हाइट विड्थ निकालनी है। दैट विल रिमूव 100% एफिशिएंसी फ्रॉम द सेटलिंग चैम्बर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। विस्कोसिटी ऑफ एयर गिवन है, स्पीड गिवन है हॉरिजॉन्टल, टेम्परेचर गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है पार्टिकल की, चैम्बर की लेंथ और हाइट गिवन है। ये डाटा आपको गिवन है। इसके बाद क्या किया है, जो आपका डाया निकालने का इक्वेशन है वो आपकी यूज़ की है, उसमें सारी चीज़ें पुट कर दी हैं गिवन, और उसके बाद जो डाया निकल के आया है 48.1 माइक्रोमीटर निकल के आया है, एमबी होगा। और हमारा जो चैम्बर का जो एम होता है वो क्या होता है, 50 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स को सेटल करना। ये 48 आ रहा है, यानी कि एफिशिएंसी 100% है इसकी। अगर 51 आता तो आप क्या करते, तो आपको पता था 50/51 का स्क्वायर, ये एफिशिएंसी आ जाती आपकी, है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इनको छोड़ो। थ्योरी के क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर विथ नीट स्केच। स्केच आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो गिव एडवांटेज डिसएडवांटेज, राइट ए नोट ऑन डिजाइन ऑफ ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। ये जो इस वाली पीपीटी में नहीं, इससे वाली पहली पीपीटी में जो दो इक्वेशन लिखवाई थी, एक इक्वेशन थी आपकी वेलोसिटी निकालने की और दूसरी स्टोक लॉ के थ्रू वेलोसिटी निकालने की, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका डाया निकालना आपका आ गया था। उसमें वी और वेलोसिटी, एच हाइट है, डब्ल्यू विड्थ है, ये सब लिखना है। यही आपका डिज़ाइन के ऊपर नोट्स हैं, ठीक है, यही लिखना है आपको इसमें थ्योरी में, किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, डायग्राम बना लेना है, और कैसे आप पार्टिकल्स का डाया निकालते हो, मिनिमम पार्टिकल्स का, वो आपको निकालना है। तो ये न्यूमेरिकल इस पर आ सकता है, थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। ये इतना ही है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। अब आपके हम सिलेबस में जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड हो चुका है, एयर सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट में जो आपका बताया था कि पार्टिकल्स के को मेजर सैम्पलिंग करने के लिए चार मेथड होते हैं, गैसेस के लिए इतने होते हैं, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट यूजिंग ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, ये हो चुका है। सारे अब इसी की तरह के एक फिल्टर आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थर्ड यूनिट में सारे पार्टिकल्स को सेटल करने के मेथड्स हैं। साइक्लोन में कैसे करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर, जैसे साइक्लोन आपने देखा होगा उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एयर जो है साइक्लोन वे में रोटेट करती है और पार्टिकल हमारे कलेक्ट होते हैं। वेट का मतलब समझ गए, कुछ लिक्विड यूज़ करते हैं और कोई फिल्टर यूज़ करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटिक कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। साथ सबका एम थर्ड यूनिट में क्या है कि पार्टिकल्स को कैसे सेटल करें, कोई आपका इस रेंज के पार्टिकल को सेटल करता है, कोई इस रेंज के पार्टिकल को सेटल करता है, यही आपका यूनिट थर्ड में। आपका दो, एक साइक्लोन, वेट, फैब्रिक और ईएसपी, ईएसपी पोटेंट है, सारे इंपोर्टेंट है, थर्ड यूनिट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें डायरेक्टली मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तीन या चार लेक्चर में यूनिट आपकी ख़त्म हो जाएगी।